माइथोलॉजी को फॉलो करते हैं। माइथोलॉजी को फॉलो करते हैं। क्या हमारे रीति रिवाज बस माइथोलॉजी हैं? आखिर देश के युवाओं के दिमाग में किसने भरी ये सब बातें? वाह क्या बात है, मजा आ गया यह सुन के। भगवान और बहन एक साथ, क्या अल्लाह के साथ आप मजाक कर सकते हो? हर चीज में मजाक में भगवान को जो है वो ऐड कर दिया जाता है। भगवान के साथ मजाक उड़ाना, भगवान के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना, ये सब प्रेजेंट टाइम का फैशन है। आखिर कहां से आती है ये सब विचार युवाओं के दिमाग में? मित्रों नमस्कार। आज हमारे देश में अपनी संस्कृति, अपनी रीति रिवाज, अपनी मान्यताओं और अपने भगवान का मजाक उड़ाना फैशन बन गया है, और यह सब कूल समझा जाता है। यह सभी बातों को कूल समझा जाता है। अपने बच्चों के विदेशी नाम रखना हाई स्टैंडर्ड और ऊंचे विचार को दिखाता है। एक कार में घूम रहा व्यक्ति दिवाली में हुए पॉल्यूशन पे ज्ञान पेलता है और लोग उसको कमेंट बॉक्स में सपोर्ट करते हैं। क्लैरिटी आती है ना बादलों में, देखो कितने क्लियर बादल दिख रहे हैं, इतने क्लियर हैं बादल, कमाल के क्लियर बादल हैं। थोड़ा देख के गाड़ी चलाना, कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है, बस दिवाली के दौरान ना आंखें कमजोर हो जाती है सबकी, हम सबकी आंखें एकदम से बस कोइंसिडेंटली कमजोर हो जाती है, तो प्लीज आराम। और बोलते हैं कि वाह उसने आखिर गलत ही क्या बोला, उसको आखिर सॉरी किस बात के लिए मांगना चाहिए था। दोस्तों एक फेमस यूट्यूबर ताजमहल को पवित्र स्थल बोलता है। सोच सकते हैं एक विश्व धरोहर पावन धरती में, विश्व धरोहर पावन धरती, वाह यह सुन के तो मोक्ष मिल गया। जबकि यह कितनी कॉमन सेंस की बात है कि आखिर भारत में तो प्राचीन काल से सिर्फ मंदिरें ही रही होंगी, और यह सब जानता है कि मुगल्स लोगों ने जो है वो भारत में कितने सारे मंदिरों को तोड़ा, तो ताजमहल के जगह पे भी कोई मंदिर रहा होगा और उसको तोड़ के ही उसने जो है वहां पे एक ताजमहल बनवाया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, पर फिर भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो उसको पवित्र स्थल बोलते हैं। और दोस्तों पहले तो सिर्फ फिल्मी दुनिया थी जो हमारे रीति रिवाज, संस्कृति, संस्कार, परंपराओं इन सब का मजाक उड़ाती थी। हर चीज जो भारतीयता से जुड़ी हुई है उन सबको नेगेटिव वे में प्रस्तुत करना पहले एक सिर्फ फिल्मी दुनिया थी जो ऐसी करती थी। बट आज के टाइम में हर एक बड़ा यूट्यूबर भी, सोशल मीडिया पे भी आप देखते हो कि बहुत सारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जो छोटे मोटे यूट्यूबर हैं वो अवश्य ही हिंदुइज्म की बात करते हैं, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो परंपराओं को बचाने की बात करते हैं, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति को बचाने की बात करते हैं। लेकिन जब वही यूट्यूबर एक बड़ा यूट्यूबर बन जाता है, अभी जितने भी हिंदुत्व की बात करने वाले यूट्यूबर्स हैं वो सब छोटे मोटे यूट्यूबर्स, उन लोगों का मिलियन में भी सब्सक्राइबर्स नहीं है। बट जो मिलेनियर हैं, जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वो सब अभी भी अपना धंधा जो है वो इसी बात से चला रहे हैं, हिंदुत्व का मजाक उड़ा के, रीति रिवाजों का मजाक उड़ा के, परंपराओं का मजाक उड़ा के, संस्कृति का मजाक उड़ा के, यही सब चीज़ों से ही उनका धंधा चल रहा है। जो नए जनरेशन के बच्चे हैं वो उन्हीं लोगों को देख रहे हैं और उन्हीं से इंस्पायर हो रहे हैं। अभी के जनरेशन के बच्चे गाली देना, गंदी बातें करना, ये सब कूल समझते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं। परंतु आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन सब के पीछे वजह क्या है? दोस्तों मेन वजह, जो मेन रीज़न है वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। आखिरकार मेन प्रॉब्लम, जैसे हर बीमारी का इलाज तभी संभव है जब उसका इलाज बिल्कुल जड़ से हो, और यह जो अपनी संस्कृति से घृणा करने वाली बीमारी है, यह जो अपनी संस्कृति के खिलाफ ही नफरत पैदा करने वाली बीमारी है, इसका इलाज भी जड़ से तभी होगा जब हम अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारेंगे। दोस्तों आपको यह बात समझना पड़ेगा, आप बोलोगे कि अभी सोशल मीडिया के समय में तो जागरूकता फैल रही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन आपको यह बात समझना पड़ेगा कि यह जो है वो हम लोगों को इंस्पायर करने के लिए नहीं किया जा रहा है। पूरी की पूरी जो भारतीय संस्कृति को टारगेट किया जा रहा है, वो जो पहले से ही मैच्योर लोग हैं उन लोगों को कभी भी टारगेट नहीं किया जाता है। ये हमेशा ही न्यू जनरेशन, न्यू बच्चों को टारगेट किया जाता है। न्यू बच्चे तो कैरी मिनाटी को देखेंगे ना, न्यू बच्चे जो है वो कभी भी प्रतीक बुराडे का वीडियोज तो नहीं देखेंगे, तो न्यू बच्चे को इंस्पायर किया जाता है। न्यू अपनी संस्कृति पे प्राउड फील करने की जगह पे जो एक घृणा वाली सोच उनके अंदर आई है, इसका मेन वजह एजुकेशन सिस्टम है।
हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारना पड़ेगा और आज हम उसी पे बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे हम अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारेंगे। दोस्तों, स्कूल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फेस, तो आप समझ ही सकते हैं कि स्कूल में जाके हमारे बच्चे फिर कितना समझ लेंगे। वो सिर्फ मछली बन सकते हैं स्कूल में जाके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसीलिए हमारे प्राचीन भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति में स्कूलिंग जैसा कोई सिस्टम नहीं था। शुरू में सिर्फ और सिर्फ गुरुकुल सिस्टम था। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति, हम अपना अस्तित्व बचाए रखें और मानव अपने परम लक्ष्य तक पहुँचे, जीवन का जो परम लक्ष्य है उसके बारे में जाने, ना कि इस फालतू मटेरियलिस्टिक चीज़ों में पढ़ के अपना जीवन व्यर्थ ही यूँ गंवा दें, तो आपको गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम पुनः स्थापित करना पड़ेगा। ये क्रिश्चियन लोगों के द्वारा लाया गया स्कूलिंग सिस्टम, इसे हमें बंद करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये भारत में तब आया जब भारत में बदलते वक्त के साथ जब सब कुछ बदलता है, और कलयुग में तो ऑब्वियसली सब चीज़ का पतन होना बिल्कुल तय ही है। को भी हम नहीं रोक सकते समय के बदलाव को, पर फिर भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके डैमेज कंट्रोल, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वो तो करने की कोशिश कर ही सकते हैं। हम अपना धर्म तो कम से कम करेंगे ही, हमारा धर्म हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो इस क्रिश्चियनिटी वाली भारत में ये स्कूलिंग सिस्टम तब आई जब क्रिश्चियंस लोग भारत में आए, जब भारत में विदेशी प्रभाव पड़ा। हमें पुनः गुरुकुल सिस्टम स्थापित करना पड़ेगा। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इससे वो हेल्दी भी रहेंगे, हेल्दी इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे। और अभी की पढ़ाई क्या होती है, सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागना, सिर्फ यही पढ़ाया जाता है। दिन भर बच्चे लोगों को सूट बूट में बैठा के रखा जाता है, बंद कमरे में, एसी हवा में, आर्टिफिशियल हवा में, सब कुछ आर्टिफिशियल हो गई है, नेचर से बिल्कुल दूर जाते जा रहे हैं। मोदी सरकार ने 2 साल पहले ही घोषणा किया था कि हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने वाले हैं, तो ऑब्वियसली जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी तो सिलेबस भी चेंज होगा। पर हिस्ट्री तो रीरिटन होने का ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया है कि हिस्ट्री को फिर से लिखा जाएगा, और मेन प्रॉब्लम तो हिस्ट्री में है। आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति को कितना पिछड़ा हुआ हिस्ट्री के बुक में दिखाया जाता है, और मुगलों को और अंग्रेज़ों को महान दिखाया जाता है कि उनके आने से पहले तक तो इस देश में कुछ था ही नहीं, इस देश में जो कुछ भी हुआ है सब मुगलों और अंग्रेज़ों के आने के बाद हुआ है। तो जब इस देश में कुछ था ही नहीं तो फिर वो लोग आए ही थे किस वजह से, ये बेवकूफ़ लोगों को समझ में नहीं आती। लेकिन जब तक हम हिस्ट्री के बुक्स को नहीं चेंज करेंगे, जब उसको रीराइट नहीं करेंगे, जब हम लोग हिस्ट्री को पुनः नहीं लिखेंगे, तब तक यह सब करना संभव नहीं लग रहा है मुझे। शायद यह भी एक वजह हो सकता है जिसकी वजह से मोदी सरकार अपने उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में डिले कर रही है। वो लोग शायद इस बारे में कुछ विचार कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी इस वीडियो में मैं उठाना चाहता हूँ, वो हमारी भाषा को लेके है। हमारी भाषा पे कोई ध्यान नहीं देता है। आज के इस दौर में मनुष्य नहीं रह के इंसान बन गया है। अब सभी लोग इंसान का यूज करते हैं, मानव और मनुष्य जैसे शब्द तो विलुप्त हो गए हैं। मानव तो अब सिर्फ नाम भर रह गया है, लोगों का नाम रह जाता है। दोस्तों, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का, हिंदी को इंडिया का नेशनल लैंग्वेज बनाने के पीछे भी साजिश सी लगती है। उस समय ऐसी कोई साजिश ही रही होगी। उस समय के जो लीडर्स थे, जो कांग्रेसी लीडर्स थे, जो गांधी थे, वो ये समझते रहे होंगे इन सब बातों को कि भविष्य में आगे चल के लोग कब हिंदी के बदले उर्दू शब्द बोलने लगेंगे। उनको खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं मिलेगा। और ये उर्दू वाले ये लोग बोलते हैं कि ये सारे शब्द जो आप हिंदी में बोल रहे हैं सब हम लोगों का उर्दू शब्द है, ये सब हिंदी नहीं है। अरे भाई, आपका ये उर्दू आया ही कब? हिंदी जो है वो बहुत पुरानी भाषा है, संस्कृत से निकली है, 5,000-10,000 वर्षों से बोली जा रही है। और आपकी तो मजहब और आपका यह जो कौम है, आपका जो यह मत है, इसकी तो शुरुआत ही 7वीं सेंचुरी में हुई थी पैगंबर मोहम्मद के जन्म लेने के बाद। उन्होंने सोच दिया, लोगों को एक नई सोच दिया, और जो जो लोग उसके फॉलोअर बने वो सब एक नए धर्म इस्लाम कहलाए। तो जब आपका मजहब ही इतना लेट से आया, आपकी मजहब जब 7वीं सेंचुरी में आए और हिंदी तो 5,000-10,000 साल पुरानी भाषा है, तो फिर हिंदी के शब्द आपके शब्द जो है वो कैसे हो सकते हैं? कैसे हिंदी में उर्दू के शब्द हो सकते हैं? आपने सारे शब्द हिंदी से चुरा के और बाद में यह बोल दिया कि ये हमारे शब्द है या उर्दू शब्द है। दोस्तों, शुरुआत से ही
हमें नर्सरी लेवल से, हमें क्लास वन से ही संपूर्ण एजुकेशन सिस्टम को 100% चेंज करने की ज़रूरत है। और अगर यह 100% बिल्कुल चेंज नहीं होगा तो एक स्लो पॉइजन का काम कर रहा है हमारे समाज में, और जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व बिल्कुल खतरे में है। फ्यूचर में या तो हम कन्वर्टेड हिंदूज हो जाएंगे, कन्वर्टेड हिंदू जो मुस्लिम बन के जीवन जिएंगे, जैसे अभी सारे पाकिस्तान या जितने भी आसपास के देशों में मुस्लिम है या हिंदुस्तान में मुस्लिम है, ये सब कन्वर्टेड हिंदू हैं। और ऐसा मैं नहीं, ऐसा खुद जो है वो दुबई के शेख ने बोला है कुछ दिन पहले ही। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि फ्यूचर में यदि आपको कन्वर्टेड हिंदू बन के रहना है, कन्वर्ट होने के बाद मुस्लिम बन के जीना है, तो आप फिर कोई सुधार नहीं करो। और यह सुधार हम सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते, हम आम आदमी को, हम कॉमन आदमियों को, हम सनातनियों को आवाज़ उठाना पड़ेगा। हम सनातनियों को अपनी संस्कृति, अपनी सभी चीज़ों की रक्षा करनी पड़ेगी। हम सनातनियों को ये जो बदलाव आ रहा है समाज में, वेस्टर्न कल्चर की तरफ जो हमारे बच्चे जाते जा रहे हैं, वो जो एक रोल मॉडल चुन रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा कि वो किसको रोल मॉडल चुन रहे हैं, अभी के समय में वो किसके वीडियोज़ देख रहे हैं। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसिंग का काम कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, उन पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपके बच्चे कैरिमिनाटी के वीडियोज़ देख रहे हैं, कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। और उसके साथ साथ एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करवाने के लिए और पूरा का पूरा सिलेबस चेंज करवाने के लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक यह सब संभव नहीं होगा। और दूसरी बात, हमें पॉपुलेशन पे कंट्रोल लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो वह समय दूर नहीं है जब 2040 तक ही जो है वो मुस्लिमों की संख्या जो है वो हिंदुस्तान में हिंदुओं से कहीं ज़्यादा हो जाएगी, और उस समय फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा, मिलेगा तो सिर्फ बाबाजी का ठुल्लू। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और अपनी आवाज़ को उठाइए और अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिए।